नंबर एक। गाइस, साल 2022 की दुनिया भर के स्वादिष्ट पकवानों की लिस्ट में भारतीय खाने को पांचवा स्थान मिला है। जी हाँ गाइस, इसके साथ ही हमारे शाही पनीर को पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन डिशेस में 28वां स्थान दिया गया है। दरअसल इस लिस्ट को टेस्ट एटलास नाम की एक संस्था ने जारी किया, जहाँ लोगों के वोट के आधार पर ये पता लगाया गया कि किस देश का खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, जिसमें लोगों ने सबसे ज्यादा वोट इटली को दिए। तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लोगों ने ग्रीस और स्पेन को चुना। हालांकि कई भारतीय यूजर्स ने इस लिस्ट पर नाराजगी जताई है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे देश का खाना दूसरे कई देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन है। फैक्ट नंबर दो। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरी माँ की देन है। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो कि अपनी माँ के जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी है। दरअसल मोदी जी पर उनका प्रभाव इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उनकी माँ का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब उनकी माँ न केवल पूरा घर संभालती थी, बल्कि घर की मामूली आय को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती थी और समय मिलने पर चरखा भी चलाती थी। वो गुजरात वडनगर के एक छोटे से घर में रहती थी, जिसकी छत और दीवार दोनों ही मिट्टी के बने हुए थे। और इसीलिए एक बार मोदी जी ने कहा भी था कि मेरी माँ के पास आज कोई भी संपत्ति नहीं है। वो अपने संघर्ष के दिनों में भी उसी सादगी से रहती थी जैसा कि आज तक रहती आ रही थी।